आज हम सीखेंगे हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप इन सेकंड्स विद हेल्प ऑफ लाइव शूट सॉफ्टवेयर। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं खोलूंगी गूगल क्रोम और यहां पर मैं लिखूंगी डाउनलोड लाइव शूट। अभी मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी और अभी मैं क्लिक करूंगी डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर। तो अभी ये डाउनलोड हो गया है। तो अभी मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगी और शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगी और अभी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी और रन के ऊपर फिर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं क्लिक करूंगी ओके के ऊपर और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी और अभी हमने सारा काम कर दिया। अभी मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगी। तो इसके टू वेज है इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो पहला है कि जब हम कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन के बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसका नेम दे सकती हूँ और यहाँ से मैं यही भी लिख सकती हूँ कि मुझे ये कौन सी टाइप की चाहिए, PNG, JP, EG और BMP। तो मैं इसे PNG ही रख देती हूँ और अभी मैं इसे सेव कर देती हूँ। तो अभी इसका सेकंड वे है कि अगर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर भी हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये बता रहा है कि इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर बता रहा है कि अगर हम इसको इतना बड़ा कर देंगे तो वहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा, उसकी ही वहाँ पर उतनी ही विड्थ हाइट बताता जाएगा। अभी मैं इसे भी सेव कर देती हूँ और इसका मैं अभी से सीधा सेव कर देती हूँ। अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये बता देगा कि मैंने इसे कहाँ पर सेव किया है, ये इसका नेम क्या है, ये उसका फोल्डर ओपन करके हमें बता देगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये बता देगा कि ये है हमारा इमेज जो हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो अगर मैं यहाँ पर अपने ऐप का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ इसके लिए मैं प्रिंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं अपने ऐप का एक स्क्रीनशॉट ले लूँगी और उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगी और अब ये सेव हो गया है। अगर मैं इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं फिर से प्रिंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगी और मैं जितना भी एरिया यहाँ पर लेना चाहती हूँ उतना मैं ले लूँगी। अगर मैं हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ कि ये मेरी कोडिंग है, ये मेरा ऐप है, इसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल को यूज़ करूँगी और यहाँ से एक कलर भी यूज़ करूँगी, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर है मेरा ऐप, ये है मेरा ऐप जो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है और यहाँ पर मैंने अपनी कोडिंग के बारे में भी बताना है, इसी के लिए मैं यही कलर में उसको भी यहाँ पर डाल दूँगी कि इतना मेरा ये कोडिंग का पार्ट है। और यहाँ पर मैं अभी ऐप और कोडिंग लिखकर बताऊँगी कि ये मेरा ऐप है। तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ, टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करूँगी और पहले मैं टेक्स्ट और अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि मैं कहाँ पर लिखना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ ऐप और यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ कोडिंग, CODING कोडिंग। तो ये है मेरी कोडिंग और ये ऐप। तो मैं एरो से भी बताना चाहती हूँ तो ये है एरो, यहाँ पर है ये मेरा ऐप, ये है मेरा ऐप और कोडिंग कहाँ पर है मेरी, ये है मेरी कोडिंग। तो अभी ये हो गया है, अभी मैं इसे सेव कर देती हूँ। तो ये अभी हो गया है सेव। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ लाइव शूट के ऊपर और मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ डबल क्लिक और ये सभी बता रहा है कि ये मेरा ऐप है, ये मेरी कोडिंग है। तो अभी मैं इसका लाइव शूट का एक और फीचर बताना चाहती हूँ कि अगर हम गूगल में इसके जैसी और सिमिलर इमेजेस देखना चाहते हैं इसके लिए अभी मैं प्रिंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं अपने ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगी
और अभी मैंने इसे गूगल पर चेक करना है, तो इसी के लिए मैं इस जी के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पर ये अपलोड इन इमेज हो रही है। तभी यहाँ पर ये खुद ओपन करके बताएगा हमें। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो मैंने इमेज डाली थी वो शो हो रहा है और इसके जैसे और भी सिमिलर यहाँ पर इमेजेस शो करा रहा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय।